हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई पीठा। इसके लिए हम 4 कप उसना चावल लिए हैं, 4 कप लिए हैं, और इसमें हम 1 कप उड़द दाल डाल देते हैं। इसको अच्छे से वॉश करके हम लोग 8 घंटा के लिए भिंगा देंगे। देखिए गाइस, चावल को पीस लिए हैं हम, इसको अब अच्छे से मिला लेते हैं। ठीक को अब इसमें 1/2 टीस्पून खाने वाला सोडा मिला देते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। अब इसको अच्छा से मिला लेते हैं। बहुत ज़्यादा ठीक है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। देखिए गाइस, अच्छा से मिला लिए हैं। इसका कंसिस्टेंसी देख लीजिए। इसको 1/2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं, फिर इसका पीठा बनाएंगे। देखिए गाइस, 1/2 घंटा हो चुका है, हम मिट्टी वाला कढ़ाई बैठा चुके हैं। उसमें 1/2 टीस्पून ऑयल दे देते हैं, फिर इस बैटर को डालते हैं। चम्मच बेटर को डाल देते हैं, थोड़ा सा ऐसे फैला देते हैं। दो मिनट के लिए ढक देते हैं। देखिए गाइस, 2 मिनट हो चुकी है, अब देखते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल दे देते हैं, 1/2 टीस्पून ऊपर में भी, फिर इसको पलटी कर देंगे। पलटी करके थोड़ा सा और ऑयल दे देते हैं। आप इसको कोई भी कढ़ाई में बना सकते हैं, नॉनस्टिक हो, लोहा का हो, यहाँ। देखिए गाइस, 2 मिनट हो चुका है। देखिए कितना सुंदर हुआ है पीठा। और एक पीठा बना के दिखा देते हैं, फिर से 1/2 टीस्पून ऑयल दे देते हैं। दो चम्मच बेटर डाल देते हैं। इसको 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। 2 मिनट हो चुकी है, इसको भी पलटी कर देते हैं। इसमें ऑयल दे देते हैं। फिर 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। 2 मिनट हो चुका है, देखिए गाइस, बन चुका है कढ़ाई पीठा।
कितना स्पॉन्जी हुआ है देखिए गाइस, इसको दबा के, गरम है बोल के हम छू नहीं पा रहे हैं, ये देखिए बहुत स्पॉन्जी हुआ है। देखिए गाइस मेरा बेटा टेस्ट करके बताएगा कैसा हुआ है। बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और घर में ज़रूर से बनाइए। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ।